दोस्तों ट्रिगर ने अपना नया TWS ट्रिगर ट्रैकिन X1 को लॉन्च कर दिया गया है। ये ट्रिगर ब्रांड की तरफ से पहला TWS है जो कि काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है। इस TWS में आपको गेमिंग मोड 40 ms लो लेटेंसी के साथ मिलता है। इसमें आपको एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन IPX4 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है कि जो हल्के फुल्के वाटर के छींटे भी आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें डिजिटल बैटरी इंडिकेटर भी आता है। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ट्रिगर के का पहला TWS है जिसमें आपको 40 ms लो लेटेंसी मिलती है। इसमें आपको जो बॉक्स खोलेंगे तो आपको इसमें कुछ पेपर वर्क्स, ट्रिगर के कुछ मैनुअल मिल जाते हैं जिसको कोई पढ़ता है नहीं, कुछ स्टिकर, और चलो इसको साइड में रखते हैं। ये ट्रिगर का गेमिंग TWS और बॉक्स में एक Type-A to Type-C केबल मिलता है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए अपने TWS की तरफ चलते हैं। देखने में TWS काफ़ी प्रीमियम फील होता है, जिसको हिंज मैकेनिज्म में है काफ़ी अच्छा है। इसको मैंने पहले से ही ट्राई कर लिया है। इसमें बैटरी इंडिकेटर मिलता है, ये आउट सेफ का TWS है, देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो इसका हिंज मैकेनिज्म देखिए काफ़ी अच्छा है। इस TWS मैंने गेमिंग ट्राई की तो काफ़ी अच्छा था, लेटेंसी बहुत ही कम, 40 ms एकदम लो लेटेंसी। अगर आप GMI PUBG खेलते हैं तो आप इस ईयरफोन को ले सकते हैं। बात करें इसकी बिट क्वालिटी की, ये तो प्लास्टिक मटेरियल है, ऊपर आपको ट्रिगर की बैंडिंग मिल जाती है, और ये देखिए आउल्स, ये आउल की तरह इसका आँख दिख रहा है। बगल में Type-C चार्जर है। स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3, यह 40 घंटों का इसका बैटरी बैकअप है। इसमें आपको डुअल माइक मिल जाएगा, जैसे ही आप इसको निकालते हैं तैसे ये कनेक्ट हो जाता है आपके मोबाइल में। इसमें डिजिटल बैटरी इंडिकेटर है, देखने में काफ़ी कूल लगता है। बात करें इससे गेमिंग एक्सपीरियंस की तो बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप अंडर 1000 एक गेमिंग TWS देख रहे हैं तो आप ट्रिगर ट्रैकिन X1 Neo के पास जा सकते हैं।